हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखिए, हम लोग जो है अब UBPCL TGTU के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो अब हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, देखिए जब तक पेपर नहीं हो जाता आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलेगा ही मिलेगा पर डे के पर डे। और उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोगों के आगे काम भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू वांट टू शेयर अ डॉक्यूमेंट एंड यू वांट पीपल टू जस्ट सी इट एंड नॉट एडिट इट इवन यू शुड यू यूज। ठीक, यदि आप दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे केवल देखें, इसे संपादित ना करें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? देखिए जब इस तरीके की चीज़ आती है तो जब भी कभी हमें ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसको PDF फॉर्मेट में बनाइए। आप PDF फॉर्मेट में कुछ भी बनाइए, आप उसको एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए देखिए जो भी हम लोगों के एडमिट कार्ड भी आते हैं, जो एडमिट कार्ड आते हैं, ठीक है, जो एडमिट कार्ड आते हैं वो हमारे किस फॉर्मेट में आते हैं? वो PDF फॉर्मेट में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी आप एडिट करके किसी दूसरे का दूसरा बना के उसको भेज ना सकें, इसलिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PDF। चलिए क्वेश्चन नंबर दो है, लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज़ द शॉर्टकट ऑफ हाइपरलिंक। लिब्रे ऑफिस राइटर हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है? देखिए चाहे वो लिब्रे ऑफिस हो और चाहे कोई भी नॉर्मल हो, हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे हाइपरलिंक के लिए? Ctrl+K। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+K। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग द लिब्रे ऑफिस विंडो। लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए छोटी कुंजी क्या है? जो लिब्रे ऑफिस है इसको बंद करने के लिए छोटी कुंजी क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट की, यानी कि छोटी कुंजी मतलब शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग द लिब्रे ऑफिस विंडो। देखो जब लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने की बात आती है, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं Ctrl, यानी कि Ctrl+Q। क्यू का मतलब क्वाइट। ठीक है, ठीक, क्विट करना मतलब क्वाइट नहीं, क्विट करना, तो क्विट हो जाता है इससे, क्यू से क्विट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+Q। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट शॉर्टकट की ऑफ कॉपी इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आप कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? लिब्रे ऑफिस में कॉपी की शॉर्टकट कुंजी क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए Ctrl+C, ये कॉपी करने के लिए चाहे आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, जब हम अगर उस फाइल को हमने सेलेक्ट कर रखा है, उस फोल्ड मतलब उस जो है डॉक्यूमेंट को हमने सेलेक्ट कर रखा है, या जो हमें जितना भी कॉपी करना है अगर हमने उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर रखा, तो आप Ctrl+C दबाइए, आपका वो डेटा कॉपी हो जाएगा। वो चाहे लिब्रे ऑफिस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, कुछ भी हो। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कीवर्ड कॉम्बिनेशन फॉर पुटिंग पेज ब्रेक्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये देखिए, ये मैंने अपने शॉर्टकट कीज वाले वीडियो में भी बताया, दूसरा आपको जो इससे पहले जो हम लोग जितने भी सेट पेपर कर चुके हैं उसमें सब में ये आ चुका है, कहीं ना कहीं इतने बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसका आंसर तो अगर मैं ना बताऊं तो आप लोगों को मुझे इसमें कमेंट करके बताना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, देखिए पेज ब्रेक की बात आती है तो याद रखिए Ctrl+Enter। तो Ctrl+Enter अगर हम लोग ये दबाते हैं तो हमारा जो है पेज ब्रेक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर हैज़ द एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है?
ठीक, देखिए जो हमसे यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन किसकी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टेम्पलेट की। तो यानी कि टी से टी तो बनेगा, टेम्पलेट से टी तो बनेगा, और किसका चाहिए, ऑफिस राइटर का। तो देखो अगर इस तरीके से देखेंगे तो पहले तो इसको तो ये DOC निकाल ही दो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके, और इन दोनों, इसमें देखिए टी है लेकिन ये ऑफिस राइटर है, और इसमें जो है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में, ये लिब्रे ऑफिस राइटर का नहीं है। ठीक, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, बचता कौन सा है लास्ट में, टी वाला बचता है ये, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होती है, देखिए अधिकतम और न्यूनतम ये दोनों मैं अपने सेट पेपर में करा चुका हूँ। ठीक, देखिए जो अधिकतम होता है वो होता है 999.99। ठीक, ये मतलब इसको पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, ये 999 में रहता, चाहे आप आगे और भी 99 ले लीजिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 999.99 ये होता है इसका सही मैक्सिमम फॉन्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट मेकिंग, बुक राइटिंग, ETC फॉल इनटू विच कैटेगरी। पत्र लेखन, ये फिर रिपोर्ट तैयार करना और दस्तावेज़ तैयार करना, पुस्तक लेखन आदि किस श्रेणी में आते हैं, तो ये हमारे किस श्रेणी में आएंगे, चलिए जल्दी से बताइए। देखिए ये आएंगे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, किस में आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव के लिए शॉर्टकट की क्या है। देखो जब हमें सेव करना है, ठीक है, जब अगर हम सेव कर रहे हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बस एक चीज़ बढ़ जाती है, वैसे तो नॉर्मल हम लोग कंट्रोल प्लस सेव दबाते हैं तो हमारा सेव हो जाता है, लेकिन इसमें कंट्रोल प्लस प्लस एस, बस इसमें क्या बढ़ जाता है, ये शिफ्ट बढ़ जाता है। तो इसमें लिब्रे ऑफिस में सेव करने के लिए आपको क्या करना है, बाकी नॉर्मल सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस होता था, इसमें लिब्रे ऑफिस में शिफ्ट और जुड़ जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस ये हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में प्रयुक्त कट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए कंट्रोल प्लस सी, ये आपको पता है किसके लिए होती है, ये होती है कंट्रोल प्लस सी होती है हमारी कॉपी के लिए। ठीक, ये हमारे लिब्रे ऑफिस में नहीं होती है, लेकिन वैसे कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए होती है। चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एक्स, ये हमारा कहीं भी हो, चाहे लिब्रे ऑफिस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, चाहे वर्ड हो, कुछ भी हो, तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज की एक्स का यूज किया जाता है, और ये कंट्रोल प्लस के, ये आप लोग कमेंट करके बताइए ये किस लिए यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ठीक, देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F2 और कंट्रोल प्लस F1। ठीक, अब देखो ये लिब्रे ऑफिस में जो है ये टेबल डालने की बात कर रहा है, तो देखिए जब जो हम लोगों ने एक अभी जो सेट पेपर किया हुआ था प्रीवियस ईयर वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो F2 यूज की जाती है कंट्रोल के साथ में, तो उसमें जो है ये टेबल डालने के लिए यूज की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो बंद करने के लिए शॉर्टकट क्या है। ठीक, अब देखो जब करंट विंडो बंद करने की बात कर रहा है तो उसकी शॉर्टकट, अभी मैंने जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो लगभग यही था यही क्वेश्चन, शायद ये रिपीटेड भी है, नहीं वो, लेकिन वो किस चीज़ का था, चलो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग द लिब्रे ऑफिस विंडो, लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए छोटी कुंजी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर क्या था। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज द करेंट विंडो, इसमें करेंट विंडो की बात कर रहा है इन लिब्रे ऑफिस। ठीक, तो यहाँ पे जो करेंट विंडो की बात हो रही है तो कंट्रोल प्लस डब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्लू हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तेरह क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्ट मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है, हमसे ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन की बात कर रहा है। तो देखिए डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो होता है, चलिए देखिए इसमें 5 है, ये 10 है, ये 2 है। ठीक, इसका और ऑप्शन क्या देखते हैं, फिर है 1, क्या है हमारे पास, ये 1। तो देखिए इसमें जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है ये 1 का ही होता है, कितने का होता है, 1 का। ठीक, फिर लिब्रे ऑफिस राइटर हैज़ शॉर्टकट की टू रीडू, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखो जब अंडू करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू करना होता है तब क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब रीडू करने की बात कर रहा है तो ये अंडू होता है और ये रीडू होता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए रीडू करने की जब बारी आएगी तब क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वाई। देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ तो ये इसमें लिब्रे ऑफिस बहुत पूछता है। देखिए आपको बता दूं, जो आपका UPPCL और TG2 का जो सिलेबस है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सेकंड चैप्टर है, फिर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद में है लिब्रे ऑफिस, फिर है वर्ड प्रोसेसिंग, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऐसे करके हमारे 8 से 9 चैप्टर हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये लिब्रे ऑफिस जो है अब करंट में इस टाइम पे आप लिब्रे ऑफिस बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए इसके आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपसे उबंटू लिनक्स और यूनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो ये जो है हमारे बिल्कुल जो सिलेबस है उसके आधार पर कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। बाकी जैसे जैसे जहाँ से भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो नए जगह पे पहुँचेंगे तो नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे देखने को। तो इसलिए आप लोग लगे रहिए, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि इसमें लिब्रे ऑफिस आ रहा है बाकी कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी लिब्रे ऑफिस मिल रहा है, कभी किसी सेट पेपर में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत मिल जाता है, कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, कभी पावर पॉइंट आ जाते हैं। देखिए मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं तो कभी भी कुछ भी किसी से भी ज़्यादा आ सकता है। दूसरी, मैंने आपसे पूछा भी था कि आप लोग कंप्यूटर की क्या 1000 क्वेश्चंस की सीरीज करना चाहोगे, अगर आप करना चाहते हो तो आप लोग मुझे बताइए, मैं पोल डाल दूंगा, आप लोग उसमें हाँ या ना में बताइएगा। उसके बाद में हम लोग अगर चाहेंगे तो उसका 1000 वीडियो सीरीज भी लेके आ जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर देखिए आपके सामने से 1000 क्वेश्चन जाएंगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो 1000 में हमें क्या होगा कि कितने भी कम याद रहे हैं, 100 से 200 क्वेश्चन तो याद ही रहेंगे। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर 100 से 200 क्वेश्चन में अगर हमको अगर पेपर में 5 क्वेश्चन भी फंस गए तो कुछ तो फ़ायदा होगा ना उस चीज़ का। तो जो 100-200 क्वेश्चन याद होंगे अगर उनमें से हमें 5 क्वेश्चन भी ऐसे पेपर में मिल जाते हैं तो हमारे लिए उसमें नुकसान क्या है, हमारा तो फ़ायदा ही है। तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए कि हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की सोचिए। तो इसलिए अगर आप लोगों को मैं इसीलिए आप लोगों से भी एक बार पूछ रहा हूँ, पोल ले रहा हूँ कि क्या आप लोगों को ये 1000 क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो आप लोग मुझे बताइए, मैं जो है उसको बना के डाल दूंगा। बस ये है कि अगर आप लोग कहते हैं तो डाल दूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों को भी पूरा वीडियो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा है वीडियो जब बनाते हैं तो आप सोचिए कि अगर वो एक बार में 200 या 250 का वीडियो बनाऊंगा तो लगभग वो 1.5 घंटे या 2 घंटे का वीडियो बनेगा। अब आप सोचिए 1.5-2 घंटे लगातार बैठना, फिर उसके लिए तैयारी पहले से करना, फिर उसको आपको बताना, तो उसमें हम लोगों की भी बहुत मेहनत होती है। तो इसलिए आप लोग पहले जब मैं पूछूं तो आप लोग बताइए, अगर आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देंगे, बट फिर आप लोग भी इतना तो कर ही सकते हैं हम लोगों के लिए कि आप भी पूरा वीडियो उसको देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेल चेक,
यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो वर्तनी जांच की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक, देखिए ऑटो स्पेल चेक होता है, ये देखिए ये लगभग आपको चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो चाहे वर्ड हो, आपको ये हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो जब हम लोगों की ये बात आती है कि अपने आप जो ऑटो स्पेल चेक जो होता है ये लिब्रे ऑफिस में किस में मिलेगा, तो Shift+F7 से मिलता है। किससे? Shift+F7 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस साइज। लिब्रे ऑफिस साइज में जो राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है? तो देखिए जब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, देखिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, जैसे हमने ये विंडो खोल रखी है, यहाँ पे आपको एक जगह पे फॉन्ट साइज लिख के आएगा, जैसे A1 के ऐसे आता है, उसके पड़ोस में एक विंडो होती है, उस पर क्लिक करते हैं तो सारे नंबर आ जाते हैं। तो इस विंडो के अंदर जो आपको फॉन्ट साइज देखने को मिलता है लिब्रे ऑफिस में, वो मिलेगा 12 का, यानी कि जो उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आता है वो 12 का आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? चलिए आज कुछ क्वेश्चन शायद रिपीटेड भी हैं, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी, मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है उसका। अच्छा वो उसका दूसरे क्वेश्चन था, ये जो है यहाँ पे फॉन्ट साइज की बात कर रहा है कि जो फॉन्ट साइज का मतलब, जैसे ये हमारा 72 लिखा हुआ है तो ये कितने फॉन्ट का होगा, जैसे ये जो है जैसा मान लीजिए 14 पे है तो इसका मैक्सिमम करें तो मैक्सिमम मान लीजिए ये इतना बड़ा लिख के आ जाए, तो ये फॉन्ट साइज क्या होगा हमको ये बताना है। देखो जो इसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो होता है वो होता है हमारा 96 का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इन लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज इन विच मेनू। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विकल्प किस मेनू में है, हमसे ये पूछ रहा है। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज जो किया जाता है वो हमको मिलता है, जो है वो मेनू होगा तो वो हो जाएगा टूल्स। कौन सा मेनू हो जाएगा? टूल्स में ये हमको मिल जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट की इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक, तो टेम्पलेट कुंजी की पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट कुंजी की शॉर्टकट जो कुंजी होती है वो होती है Shift+F11। ठीक है, तो याद रखिएगा ये Shift+F11 होती है। देखिए किसी ऑप्शन में Ctrl+T, Ctrl+Shift, Ctrl+N, Ctrl, देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, शायद ये कुछ मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ पे आप इसको सही कर सकते हैं या आप ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, Shift+11 होती है उसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? चलिए देखिए जो मिनिमम जूम परसेंटेज जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में ये 20% का होता है। कितना होता है? 20% का। तो ये किस ऑप्शन में है? ये फर्स्ट ऑप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 21, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आज क्या है, हमें लगता है कि इन लोगों ने जो जब PDF बना है तो ध्यान ही नहीं दिया कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है कौन सा नहीं है। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है, तो अभी बताया कि ये 96 का होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो देखिए सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है Ctrl+Shift+P, दूसरा है Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+S, Ctrl+Shift+D। देखिए ये याद रखिएगा, ज़्यादातर लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल के साथ में सिर्फ शिफ्ट और ऐड कर दिया जाता है, तो बाकी सारी चीज़ें वही हो जाती हैं। देखिए इसमें Ctrl+Shift+P जो है ये हमारा स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+Shift+P बन जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वॉट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ऑटो टेक्स्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर।
चलिए इसका देखिए, ऑटो टेक्स्ट जो होती है, ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F3। देखिए आज काफ़ी जो है हम लोगों के इसमें शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हो रहा है, कोई नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ये शॉर्टकट कुंजी हैं, इतने बार आपको प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएंगी, जब तक आपका पेपर आएगा तब तक इतने प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे कि आप लोग इसको जब देखेंगे ना तो आप लोगों को देखते देखते ही आंसर आपका एक बार में ऐसे टिक होगा। देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें याद ना होते हुए भी अपने आप याद हो जाती हैं, कैसे, जब हमारी आंखों के सामने से वो 10 बार निकलेगी तो वही अपने आप याद ही हो जाएगी। देखिए फिर, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेल चेक यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो वर्तनी जाँच की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक, ऑटो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो वर्तनी जाँच की शॉर्टकट कुंजी क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये होती है शिफ्ट प्लस F7, पहला है ऑप्शन आपका, दूसरा है कंट्रोल प्लस F7, तीसरा है F7, फिर चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। देखिए F7 सभी में आ रही है, तो आप तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसमें जो ऑटो जो स्पेल चेक होता है ये F7 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसमें जो बात कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो वर्तनी जाँच की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो ये होती है हमारी सिर्फ और सिर्फ F7, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ हाइडिंग इन हेडिंग हेडिंग 3 इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में 3 शीर्षक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, चलिए देखते हैं 3 शॉर्टकट कुंजी क्या है इसकी 3 शीर्षक के लिए। ठीक, देखिए ये इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, चलिए कोई नहीं इसको देखते हैं। देखिए ये कंट्रोल 1 से जो है हमारी क्या होती है, ये हेडिंग 1 पैराग्राफ स्टाइल होती है, इससे हेडिंग 2 पैराग्राफ स्टाइल होती है, इससे हेडिंग 3। हमसे यही पूछा गया था लिब्रे ऑफिस में राइटर में 3 शीर्षक वाली, तो 3 शीर्षक वाले के लिए 3 होता है कंट्रोल प्लस 3। ठीक है, 1 के लिए 1 होता है, 1 शीर्षक होगा तो 1, 2 शीर्षक होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3। चलिए 26 नंबर, इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज़ द साइज ऑफ फुट नोट। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट का साइज क्या होता है। ठीक, देखिए इसमें जो साइज होता है, देखिए इसमें जो है जो हमारा फुट नोट का जो साइज होता है ये हमारा 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। चलिए आगे देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक, देखिए इसमें जब डबल जो अंडरलाइन करनी है उसके लिए हमसे शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है, तो देखिए जब लिब्रे ऑफिस है तो वैसे तो अंडरलाइन के लिए हमारा यू हो ही जाता है, कंट्रोल प्लस यू ले लेते हैं तो यू हो जाता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस की बात हो रही तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट को तो लिया जाएगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। फिर व्हाट इज़ द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ कि इसका जो है न्यूनतम फॉन्ट आकार ये कितना होता है लिब्रे ऑफिस का, तो ये 2 होता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट की इज यूज टू जस्टिफाई अ पैराग्राफ। अनुच्छेद जस्टिफाई के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कंट्रोल प्लस बी स्मॉल बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। मार्जिन और एक पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है। जो मार्जिन होती है और एक पैराग्राफ के बीच में, जैसे मार्जिन का मतलब ये लास्ट में और ये पैराग्राफ का मतलब ये जो स्पेस पूरा छूटा होता है, छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हो गया इसमें स्पेसिंग। चलिए फिर क्या कहा जाता है, गटर। फिर क्या कहा जाता है, इंडिटेशन। चौथा है मार्जिन। तो क्या कहा जाता है, देखिए जब जो इसको कहा जाता है जो मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की जगह होती है वो इंडिटेशन होती है। क्या होती है, इंडिटेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 31, दस्तावेज विच आइटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। दस्तावेज के अंत में कौन सा आइटम रखे गए हैं, दस्तावेज के अंत में कौन से आइटम रखे गए हैं,
तो देखिए दस्तावेज के अंत में जब हमसे पूछा जा रहा है तो उसके लिए कौन से रखे जाएंगे। देखिए दस्तावेज के अंत में, जैसे हमारी बॉडी को ही ले लीजिए, तो ऐसे अंत में हमारे पास क्या होते हैं, ये आते हैं पैर। पैर को हम लोग क्या कहते हैं, फुट, तो इसको फुटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स टाइटल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, एक अक्षर जो सामान्य पाठ से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। ठीक, देखिए जब जो वो हमारा सामान्य से ऊपर थोड़ा सा दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट, हम इसमें से इनमें पेज नंबर डाल सकते हैं, किस में डाल सकते हैं। देखिए फुटर में डाल सकते हैं, हेडर में डाल सकते हैं, या दोनों में डाल सकते हैं, या आगे देखते हैं किस में, नन ऑफ दीज। तो आप खुद बताइए, हमें पेज नंबर डालना है तो आप यहाँ पे भी ऊपर डाल सकते हैं या ऐसे करके नीचे डाल सकते हैं, तो आप जो है क्या दोनों में डाल सकते हैं या इन दोनों में से कहीं एक पे डाल सकते हैं। दोनों में ही डाल सकते हैं ना, चाहे तो आप यहाँ ऊपर डालिए चाहे यहाँ पे आप नीचे डालिए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चाहे तो कुछ किताब बुक्स में आपने देखा होगा यहाँ पे भी पेज नंबर पढ़ के आता है, कुछ में यहाँ पे पढ़ के आता है, तो दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको दोनों में से हम ले सकते हैं कि नंबर कहाँ डाल सकते हैं, चाहे फुटर पर डालिए चाहे हेडर में डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए फिर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये हमारा एक तरीके का वर्ड प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है, वर्ड प्रोग्राम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड होता है ऐसे ही हमारा लिब्रे ऑफिस भी होता है। तो उधर भी ऑफिस, इधर भी ऑफिस, इधर वर्ड, इधर उधर वर्ड, इधर लिब्रे। तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ़ यू वांट टू कॉपी अ सिलेक्शन टू टेक्स्ट विच बटन डू यू क्लिक, यदि आप पाठ के चयन की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो आप किस बटन पर क्लिक करेंगे। पाठ के प्रतिलिपि, चयन की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करना चाहते हैं, प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी। तो देखो ऊपर लिखा भी, इफ़ यू वांट अ कॉपी अ सिलेक्शन टू टेक्स्ट, तो विच बटन, तो कॉपी करना है तो सिंपल सी बात हम लोग क्या करेंगे, कॉपी ही तो करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स टाइटल ब्लो द नंबर टेक्स्ट इज कॉल्ड, सामान्य पाठ से थोड़ा नीचे दिखाई देने वाले, अगर जो ऊपर दिखाई देता है तो उसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और जो थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सब स्क्रिप्ट। क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर 37 नंबर देखते हैं, टू डिलीट द सेलेक्ट सेंटेंस वी कैन प्रेस द फॉलोइंग की, डी टू डिलीट द सेलेक्ट सेंटेंस प्रेस, अच्छा चयनित किए गए वाक्य को हटाने के लिए निम्नलिखित कुंजी दबा सकते हैं, निम्नलिखित नहीं ये निम्नलिखित होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए चयनित सेलेक्ट जो हमें जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है उसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस दबा सकते हैं, हाँ हम एक बार में ऐसे करके सेलेक्ट करें और बैक स्पेस दबाएंगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा। डिलीट भी कर सकते हैं ए और बी दोनों, हाँ तो ये दोनों कर सकते हैं। उसमें क्या है, जब हमें पता ही है कि हम सेलेक्ट कर किए हुए कह रहा है तो चयनित किए हुए उसने साफ साफ लिख दिया है, तो चयनित किए हुए के लिए दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, वॉट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, टूल बार पर फॉन्ट आकार उपकरण में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है फॉन्ट आकार क्या है उसका। ठीक, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों की बात हो रही है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये हमको बताना है, तो देखिए सबसे छोटा इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से 6 हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा 96। और देखिए अगर लिब्रे ऑफिस की बात करेगा तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था तो कितना था सबसे छोटा, 2 और सबसे बड़ा 96। तो देखिए ये ऑप्शन के ऊपर है, अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों मिलते हैं तो यही लगाइएगा, वरना हम लोगों को सबसे छोटा यही दिख रहा है तो हमको ये लगाना पड़ेगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट बेस्ड अ नॉर्मल टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में नॉर्मल टेम्पलेट पर आधारित नए राइटर डॉक्यूमेंट के डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 9 PPT, 10 PT, फिर है 11 PT और फिर है 12 PT। तो देखिए इसके लिए जब जो पूछा जा रहा है तो इसके लिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो होता है 12 PT। क्या 12 PT, ठीक। 40 नंबर, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछी जा रही है क्या है। देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइट होती है उसके लिए जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odt। क्या होती है, .odt। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ये। चलिए 41 नंबर, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्ट टेक्स्ट। आप चयनित पार्ट का पार्ट फॉन्ट आकार कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए जो मैंने अपनी शॉर्टकट कुंजी डाली हुई है, जो शॉर्टकट की जो डाली हुई वीडियो का, आप उस वीडियो में जाइए, आप देखिए, आपको उसमें कुछ थोड़ा सा अंदर जाएंगे, 8 से 10 मिनट चलेगी, तो उसमें एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, ये यानी कि कंट्रोल प्लस और जैसे ही क्लोजिंग वाला ये दबाते हैं तो हमारा फॉन्ट आकार बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है, एक से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है, एक से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑप्शन इन फिल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। पुल डाउन मेनू में किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक, देखिए जब फाइल को लिब्रे ऑफिस में बंद करने की बात आ रही है तो देखिए जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग उस पर एग्जिट वाले बटन पे दबाएंगे और ये फाइल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस राइटर को फाइल को बंद करने के लिए हम लोगों को एग्जिट बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, विच वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम। आप एक नए नाम के साथ एक दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे। नए नाम के साथ बात हो रही है तो देखिए जब नए नाम के साथ बात आएगी तो हम लोग, जैसे नए नाम का मतलब है कि जैसे हमारे पास पहले ये फाइल थी, ये हमारी एग्जाम 91 के नाम से थी, अब इसका हमें नया नाम करना है, फाइल यही रहनी है लेकिन इसका नाम चेंज करना है। तो इसका जो नाम चेंज करेंगे, मान लीजिए हम 91 एग्जाम करना चाहते हैं, ठीक है, ये हमने नाम इसका चेंज कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा, तो उसमें हम नाम इसका चेंज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, टू कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट प्रेस द की। चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने के लिए कुंजी दबाएं। जो चयनित पाठ है उसका प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करने के लिए, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया था, चाहे आपका लिब्रे ऑफिस हो, चाहे वर्ड पैड हो, चाहे नोट पैड हो, चाहे एमएस ऑफिस हो, आपका कोई भी चीज़ हो, हम लोग अगर कोई भी जो है, अगर हम लोगों ने सेलेक्ट टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट कर रखा है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ था हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है, तो हमें कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच इनेबल्स यूज टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। जो हमें अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है वो क्या होता है। ठीक, देखिए जब हम लोगों को अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजना है, ये सब लोग जो हैं अलग अलग हैं, इनको हमें क्या करना है, सबको एक ही पत्र भेजना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करते हैं, मेल मर्ज का। तो क्या होगा, वही मेल जो है हमारा बार बार, यानी कि ये कह सकते हैं कि जितने लोगों को जाना है वो सेंड हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, कंट्रोल प्लस डब्लू इज यूज्ड। कंट्रोल प्लस डब्लू का क्या प्रयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं भाई क्या प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट दस्तावेज सहेजें और बंद करें, सेव द प्रिंट डॉक्यूमेंट दस्तावेज को सहेजें और प्रिंट करें, विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट क्या होगा, विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट दस्तावेज सहेजें। देखिए कंट्रोल प्लस डब्लू से ये तो हमको पता है कि विंडो जो है क्लोज हो जाती है, ठीक। तो देखिए जो हम लोगों की विंडो क्लोज हो रही थी तो वो बिना सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, विंडो को क्लोज कर देगा, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन डॉक्यूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में बर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है, ठीक है। जो बर्तनी को त्रुटि कम करनी होगी तो हम लोग ऑटो करेक्ट का यूज कर लीजिए, आपकी जो है जो उसमें क्या कह सकते हैं कि जो स्पेलिंग एरर होंगी वो कम हो जाएंगी, तो इसमें ऑटो करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्या है, द सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट ऑटो आउटलाइन एम्बॉस इनग्रेव आर नोन एज, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट रूपरेखा एम्बॉस और उत्कीर्णन के रूप में जाने वाले हैं। देखिए ये सब जो हैं ये क्या चीज़ें हैं, जब हम लोगों का क्या उसने बताया था कि जब हमारा टेक्स्ट को थोड़ा सा उभरा हुआ या बड़ा दिखाई दे तो उसको सुपर स्क्रिप्ट, जब छोटा हो जाए तो उसको सब स्क्रिप्ट, इस तरीके से। तो ये हमें क्या मिलेंगे, ये सब टेक्स्ट के इफेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक टू टेक्स्ट, यदि आप पाठ का एक खंड स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे। देखिए खंड को स्थानांतरित करने की यानी कि उसको पूरा हटा के और दूसरी जगह ले जाना है, तो जब हमको ये करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर हमको इसको उठा के यहाँ पे लेके जाना है दूसरे पेज पे, तो क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो पहला ऑप्शन इसका कट एंड पेस्ट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, लैंडस्केप इज, लैंडस्केप जो होता है वो क्या होता है। देखिए ये लैंडस्केप हो गया, ठीक, और हमारा सॉरी फिर हॉरिजॉन्टल व्यू हो जाता है, ठीक। इस तरीके से ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब पेज जो है ओरिएंटेशन होता है, क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए 51 नंबर देखते हैं, सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स, सेलेक्टिंग पाठ का चयन करने का अर्थ है चयन करना, किसका चयन करना, अगर हम पाठ जो है चयन कर रहे हैं तो हम किसका चयन कर रहे हैं, तो इंटायर सेंटेंस, हाँ बिल्कुल सही बात है, जब हम पार्ट का चयन करेंगे तो उसमें पूरा सेंटेंस तो ऐसे करके आ ही जाएगा। अब वर्ड, क्योंकि अगर सेंटेंस कर रहे हैं तो उसके अंदर वर्ड तो होगा ही होगा, वर्ड से ही मिलके सेंटेंस बना है। होल डॉक्यूमेंट, हाँ जब पार्ट का चयन कर रहे हैं तो पूरे पेज में जितने भी सेंटेंसेज होंगे उनको सबको चयन करने की बात की जा रही है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, अ कैरेक्टर दैट इज राइज्ड एंड स्मॉलर एबव द बेस लाइन इज नोन एज, चलिए आगे देखते हैं, सॉरी ठीक लिखा है, एक चित्र जो आधार रेखा के ऊपर उठाया और छोटा होता है, उठाया और छोटा होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक। देखिए जब भी हमारे तरीके, जब इस तरीके से बात आती है, अभी हमने क्या कहा था, ऊपर उठा हुआ उभरा हुआ दिखाई देगा तो उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट, और जब अंदर दबा हुआ तो उसको नहीं, ऊपर उठा हुआ तो उसको सुपर स्क्रिप्ट और अंदर दबा हुआ तो सब स्क्रिप्ट, तो जब ऊपर उठाया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर की ओर लिखा हुआ। फिर कंट्रोल पी यूज किया जाता है, कंट्रोल पी किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक। देखिए कंट्रोल पी जो होता है वो नॉर्मल प्रिंट के लिए यूज किया जाता है, जब भी हम लोगों को प्रिंट करना होता है, ठीक है। जैसे हमारे सामने यही एक पूरा एक फॉर्मेट खुला हुआ है, ये
अगर इतने को हमको प्रिंट करना है, जैसे पूरे पेज को प्रिंट करना है, तो हम कंट्रोल प्लस पी करेंगे और कंट्रोल प्लस पी करते ही इस पेज का पूरा जो है प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा और जैसे हम लोग इंटर की बटन दबाएंगे ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, यानी कि कंट्रोल पी से क्या हो जाता है उसका एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें वो दिखाता है कि क्या प्रिंट प्रीव्यू खुल जाता है, ऐसे सीधे समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, चेंज द फिर ब्लैंक टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, विस्तृत रूप में दस्तावेज बनाने के लिए बदलें, किसको बदलें, विस्तृत रूप में दस्तावेज बनाने के लिए हम लोग किसको बदलेंगे। ठीक, देखिए क्या पेज मार्जिन को, देखिए पेज मार्जिन से हमें कोई मतलब नहीं होगा, पेज विस्तृत रूप से दस्तावेज बनाने के लिए बड़े रूप से, यानी कि चेंज द क्रिएट डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, जब वाइड फॉर्मेट की बात आती है तो यहाँ पर पेज मार्जिन से हमें मतलब नहीं है। ठीक, पेज ओरिएंटेशन, देखिए पेज ओरिएंटेशन में ही हमने आपको क्या बताया था, लैंडस्केप और हमारा ये क्या नाम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब उसी में सब चले जाते हैं। तो ये जो दस्तावेज बड़े बनाने के लिए, तो जैसे मान लीजिए हमारा A4 साइज़ में उसमें लैंडस्केप में नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे किस में, पेज ओरिएंटेशन में जाके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट पेपर का देखते हैं। देखिए आज 55 क्वेश्चन आपको मिल गए, तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको ऐसे ही आपके पेपर तक इतने बेहतरीन बेहतरीन आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आप लोग जब पेपर देने जाएंगे तो आप लोग वहाँ पे 30+ आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे आँखों के सामने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, हम ये तो नहीं कहते कि सारे याद हो जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होता है कि अगर उसका हमको 30% 20% भी याद रहा, तो ये मान के चलिए जैसे अगर हमने 1000 क्वेश्चन देख लिए तो 1000 क्वेश्चन में 20% भी याद रहा तो 200 क्वेश्चन याद हो गए आपको। अब ये इन 200 क्वेश्चन में अगर आपको अगर 5 क्वेश्चन फंसते हैं आपके पेपर में, तो आप एक बात बताइए, 5 क्वेश्चन आपको फंस गए 50 क्वेश्चन में से, तो आपको 10% तो आपका पढ़ा हुआ फंस गया, फिर आपको चाहिए कितना है, 15 नंबर चाहिए। उसमें से आपके पास कुछ और ऐसे फंडामेंटल होंगे जिनको आपने याद कर रखा होगा, उस फंडामेंटल से फंस जाएंगे, फिर कुछ और ऐसे होते हैं जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप नेगलेक्ट करके कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचेगा एक वो हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप आराम से 25 से 30 नंबर का पेपर आप लोग कर सकते हैं। चलिए, वेयर इज़ द कम्युनिकेटिंग ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, कमेंटिंग राइट ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस राइटर, जो लेखक में टिप्पणी का विकल्प कहाँ पे होता है, तो देखिए जो टिप्पणी का विकल्प होता है, देखिए फाइल में कोई मतलब नहीं है, टिप्पणी का संपादित करने का मतलब हम लोग जो लिखा हुआ है यानी कि एडिट करें, जो लिखा हुआ है उसी में हम लोग कुछ फेरबदल कर सकते हैं, फॉर्मेट उसके हम लोग फॉर्मेट यानी कि प्रारूप को बदल सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है टू द प्रिंसिपल, अब हम उसको ना लिख के तो हम लोग डियर ऐसे करके लिख सकते हैं, तो उसके फॉर्मेट को मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से ना यहाँ से कर देंगे, यहाँ से नहीं तो यहाँ से कर देंगे, या यहाँ से नहीं करके ऐसे ऐसे करके हम लोग कहीं से उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अब आता है इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है कोई नई चीज़ को जोड़ना, ठीक है, तो जब हम लोगों उसमें टिप्पणी का विकल्प कहाँ आएगा, इंसर्ट में, जब हम इंसर्ट करेंगे तभी तो हम लोग उस पर कमेंट कर पाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट। ठीक, देखिए आज आपको पूरे 50 की जगह पे 55 क्वेश्चन मिले हैं कंप्यूटर के, और आने वाले समय में भी आपको 50 55 60 ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, क्योंकि देखिए क्या है ना कि आपको इस टाइम पर जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप लोग आराम से, जब तक जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कंप्यूटर के कवर कर सकते हैं आप लोग कवर कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने आपसे एक चीज़ और भी पूछी है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं 1000 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के डालूं। देखिए पूरा वीडियो बना के डालूंगा तो आप लोग भी 1000 क्वेश्चन का वीडियो एक बार में नहीं देखेंगे और ना ही मैं उसको बना पाऊँगा, पर हाँ इतना है कि जो 1000 क्वेश्चन होंगे उनको मैं डिवाइड कर करके बनाऊंगा, 2000 का 2200 का 5 वीडियोज़ बना के डाल दूंगा, तो आपको भी देखने में बोरियत नहीं होगी और आप एक बार में जो है 1.5 घंटे का वीडियो देख सकते हैं, तो मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों लोग आराम से सेटिस्फाई हो जाएंगे और वीडियो भी आपको क्वेश्चन भी 1000 वो मिल जाएंगे, बाकी पर डे की पर डे हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जब मैं पोल डालूंगा तो आप लोग उसमें अपना वोट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों की ये एक बहुत गंदी आदत है कि आप लोग वोट नहीं करते हैं, वोट ज़रूर कीजिए जहाँ से हमको ये पता चले कि हाँ आप लोग ये चीज़ चाहते हैं और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, अगर मेरा सेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।